नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से घबराया पाक, डीजीएमओ ने भी चेताया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत की, जिसमें आतंकवादियों द्वारा भारतीय सैनिकों के शवों को क्षत विक्षत किए जाने के अनैतिक कृत्य का मुद्दा उठा। भारतीय सेना की गोलीबारी से घबराए पाक डीजीएमओ ने अनिर्धारित हॉटलाइन बातचीत के लिए अनुरोध किया था। भारतीय डीजीएमओ कार्यालय ने बताया कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कह दिया है कि अगर पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन शुरू हुआ या पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर या भूभाग से आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ का कोई प्रयास किया गया तो इसका भारतीय सेना उचित जवाब देगी। भारतीय डीजीएमओ ले जनरल रणबीर सिंह ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ करने के प्रयासों एवं नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों द्वारा भारतीय सैनिकों के शवों को क्षत विक्षत करने के अनैतिक कृत्य का मुद्दा उठाया। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने अपने जवानों को नापाक गतिविधियों से दूर रहने के लिए सख्त नियंत्रण रखने को कहा। बयान में कहा गया है कि इससे नियंत्रण रेखा पर सामान्य स्थिति बहाल हो सकेगी। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय गोलीबारी के कारण अपने क्षेत्र में नागरिकों के हताहत होने के बारे में सूचना दी। ले जनरल सिंह ने नागरिकों के हताहत होने पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जवाबी कार्रवाई में उन स्थानों को निशाना बनाया गया है जहां से पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों पर संघर्ष विराम का उल्लंघन शुरू किया है। अपने जवानों पर हमले के बाद भारतीय सेना ने इसका भारी प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया था। इसके कुछ ही घंटों बाद जवाबी कार्रवाई की गई। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जनधन खातों पर नजर, एफआईओ ने बैंकों से मांगा ब्यौरा। कांग्रेस का हमला, मोदी के ऐप सर्वेक्षण में मनगढ़ंत सवाल और जवाब। निकी हेली संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत, मोदी के निर्णय से अर्थव्यवस्था का विकास होगा, कहा जेटली ने। देश में खुलेंगे 62 नए जवाहर नवोदय विद्यालय।